आरसीआई एजु हब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमें अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में टॉपिक पढ़ेंगे भाषा। भाषा के बारे में आपने सुना होगा कि भाषा क्या है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा आप हम जो भी ध्वनियों के माध्यम से भाव या विचार प्रकट करते हैं उन्हें भाषा कहा जाता है। इस भाषा को प्रकट करने के लिए दो भेद माने गए हैं या दो रूप से इस भाषा को प्रकट किया जाता है। एक तो जब व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को बोलकर के प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। जब उन्हीं भावों या विचारों को व्यक्ति लिख करके प्रकट कर देता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। सबसे पहले भाषा क्या है, भाषा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सो देखिए, भाषा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है। ध्वनियों का ये प्रयोग, ये माध्यम ही भाषा कहलाता है। आपने बताया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। वह अपने भाव एवं विचारों को, भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है। ध्वनियों का प्रयोग करता है, ये ध्वनियां ही भाषा कहलाती है। ये ध्वनियां ही भाषा कहलाती है। इन भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए व्यक्ति दो रूप से अपने भावों को प्रकट करता है। पहला जो रूप होता है वह, या हम यूं कह सकते हैं कि भाषा को दो भेदों में बांटा गया है। जो पहला भेद है, हम यूं कह सकते हैं कि भाषा के रूप, भाषा के रूप दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला रूप है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को मौखिक रूप से अर्थात बोल करके प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। अभी आपने जिन ध्वनियों की बात की है, यदि इन ध्वनियों को व्यक्ति संकेतों के माध्यम से बोल करके प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति या मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो
वह मौखिक भाषा कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को संकेत करके और ये कह रहे हैं कि आप खड़े हुए, तो वह व्यक्ति हमारे भावों एवं विचारों को समझ रहा है, वह उसी प्रकार से क्रिया करता है। हमने उन भावों को लिखा नहीं, केवल संकेत किया था और उस संकेत के आधार पर वह व्यक्ति क्रियाएं करता है, माना कि खड़े होता है, बैठता है, चलता है। भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य हाथों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से संकेत करता है या बोल करके प्रकट करता है मुख से, तो उस समय व्यक्ति उन ध्वनियों को समझता है और उसी के अनुसार वह भी वैसी ही क्रिया करता है, वह भाषा होगी। पर इसमें जरूरी यह है कि जो संकेत या चिन्ह आप बना रहे हो, जो भाव प्रकट करना चाह रहे हो, उन संकेतों या चिन्हों को व्यक्ति समझ रहा हो। अगर व्यक्ति उनको समझ रहा है और जैसा आप आंसर चाहते हैं वैसे ही उसका आंसर वो दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी और आपकी एक भाषा है और वो एक भाषा है, इसीलिए आपने उसको मौखिक भाषा का रूप दे दिया है। दूसरा होता है लिखित, दूसरा रूप बताया आपने लिखित। लिखित भाषा क्या कहा आपने, जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को, जब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को निश्चित निश्चित चिन्हों में व्यक्त कर लेख बद्ध करता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। अभी आपने बताया कि जब मनुष्य इन्हें बोले हुए विचारों को, भावों को किसी निश्चित चिन्हों या संकेतों में अंकित कर दे और उसको लिख करके प्रकट कर दे, तो यह लिखित भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा के दो रूप बताए आपने, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को मुख विवर से उठी वायु को ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब इन्हीं भावों को अर्थात मौखिक भावों को व्यक्ति लिख करके प्रकट कर देता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा के दो रूप बताए आपने। अभी हम भाषा और बोली, यदि हम बात करें भाषा और बोली, बोली क्या है और भाषा क्या है। भाषा भी आपने बताई, बोली निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा जो निश्चित क्षेत्र में बहुत से लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह बोली कहलाती है। बोली या इसे उपभाषा भी कहते हैं,
बोली या उपभाषा। अभी आपने बताया कि निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। निश्चित क्षेत्र में बोली जाने निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। अभी आपने बताया किसी क्षेत्र विशेष के अंदर निश्चित क्षेत्र के अंदर जितने लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस बोली का क्षेत्र बहुत लंबा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता, एक निश्चित क्षेत्र होता है। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ब्रज भाषा है, बुंदेली है, अवधी है, बघेली है, ये सभी उपभाषाएं हैं। धीरे 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 इन्होंने भाषाओं का रूप लिया है, या यूँ कह सकते हैं कि ये लेती जा रही हैं। यदि इससे भी छोटी बात करें हम क्षेत्र विशेष के अंदर बोले जाने वाली बोली, जैसे कहीं छः का अधिक उच्चारण होता है तो कहीं स का अधिक उच्चारण होता है तो कहीं है का अधिक उच्चारण होता है, ये निश्चित क्षेत्रों के अंदर बोली जाने वाली। ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, पांच कोस पे बानी बदले, ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष के अंदर जिन लोगों के द्वारा जिन ध्वनियों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया जाता है वे ध्वनियां बोली का रूप धारण करती हैं, उपभाषा कह सकते हैं हम इसको। इसी प्रकार से हम ये कहें कि भाषा और उपभाषा में क्या अंतर है। अभी आपने बोली के बारे में जानकारी ली, दूसरी आपने भाषा के बारे में जानकारी ली, अब हम ये कहें कि भाषा और उपभाषा, भाषा और दूसरा है उपभाषा, इन दोनों में अंतर क्या है। भाषा हम ये कह सकते हैं कि विस्तृत क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा जिस भाषा को प्रयोग किया जाता है उसको हम भाषा कह सकते हैं, या यूं कहें कि बहुत से लोगों के द्वारा एक विशाल क्षेत्र भूभाग के ऊपर अनेक लोगों के द्वारा जिन भावों को प्रकट करने के लिए जिस बोली को काम में लिया जाता है वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। दूसरा आपने क्या कहा, उपभाषा, ये सीमित क्षेत्र के अंदर कम लोगों के द्वारा, या भाषा जितने क्षेत्रों में बोली जाती है उससे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा के अंदर साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं, जबकि उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं नहीं पाई जाती। जिस प्रकार से हम भाषा की बात करें, यदि हम अवधी की बात करें तो जैसे तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस है, ब्रज भाषा की बात करें सूरदास के द्वारा सूरसागर है, ये भाषाओं के अंदर लिखी गई रचनाएं अर्थात साहित्यिक रचनाएं इनमें पाई जाती हैं, लिखी गई हैं, जबकि उपभाषाओं के अंदर संभवतया कोई साहित्यिक रचना नहीं लिखी जाती, फिर भी लिखी जाती है तो कोई क्षेत्र विशेष के अंदर अपने भावों को प्रकट करने के लिए छोटी मोटी रचना लिखी जाती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है जबकि उपभाषा का क्षेत्र सीमित है। इस प्रकार से भाषा और उपभाषा के अंदर अंतर कर सकते हैं आप। अब मेन क्वेश्चन जो आता है 12वीं क्लास के अंदर वो ये आता है कि भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है।
यदि हम बात करें भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों भाषा को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि जो भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। किसी लेखक ने उसको 17 में, तो किसी ने 18 में, तो किसी ने 22 बोलियों के रूप में इन सभी भाषाओं को क्षेत्रों के रूप में बांटा है। अर्थात क्षेत्र तो 5 हो गए, उन 5 क्षेत्रों में जो बोलियां हुई वे 17 से लेकर 22 तक दर्शाई गई हैं। आज हम उन्हीं की बात करते हैं कि किस प्रकार से इन 5 क्षेत्रों के अंदर इन बोलियों को बोला जाता है, कौन कौन सी बोलियां ऐसी हैं जो भाषा का रूप धारण कर रही है या कर चुकी हैं, और कौन सी ऐसी बोलियां हैं कि जो आज भी भाषा का रूप नहीं ले पाई, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हिंदी की जो बोलियां हैं उसको हमें 5 क्षेत्रों में बांटते हैं। सो देखिए किस प्रकार से है हिंदी, या हम यूं कहें कि भाषाओं को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थात भारत की जो समस्त बोलियां हैं उनको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला जो क्षेत्र है वह पूर्वी क्षेत्र। भारत की वे बोलियां जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती हैं वे पूर्वी क्षेत्र की बोलियां कहलाती हैं। जिस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर 3 बोलियां बोली जाती हैं मुख्यतः, ए बी सी। ए बी सी, ए यानी अवधि, बी यानी बघेली और सी यानी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी क्षेत्र के अंदर 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बोर्ड के द्वारा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र की बोलियों के नाम लिखें। ध्यान रहे कुछ विद्यार्थी या बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। अवधि, अवधि लिख देते हैं जिसका अर्थ होता है समय, तो यहां विशेष ध्यान रहे। और आपने लिखा है भाषा का, तो ये एक भाषा है, एक भाषा अर्थात जिस की बात आप यहाँ कर रहे हो, छोटी धी नहीं लगाएं। इसी प्रकार से जो दूसरा क्षेत्र होता है वो हमारा पश्चिमी क्षेत्र होता है। दूसरे क्षेत्र के अंदर जो बोली जाने वाली बोलियां हैं वे पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां कहलाती हैं, पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां, पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां। यहां हम इसको सूत्र के रूप में यदि व्यक्त करें तो B3CH के माध्यम से हम इसको प्रकट कर सकते हैं। अब B3 का मतलब क्या है कि यहाँ ब्रज, पहले B का अर्थ है ब्रज, दूसरे B का अर्थ है बांगरू, और तीसरे B का अर्थ है बुंदेली। खड़ी बोली, खड़ी
बोली। मुख्यतः इसको ब्रज, बांगड़ू, बुंदेली, खड़ी बोली के अंतर्गत बांटा जाता है। कुछ एक नेहा पांचवी मानी है, 1, 2, 3, 4 कुछ एक नेहा पांच बताई है। मुख्यतया पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये बोलियां बोली जाती हैं, अर्थात ब्रज, इधर जो राजस्थान का कुछ है, आगरा वगैरह का जो भरतपुर आदि क्षेत्र हैं, उनके अंदर ये ब्रज भाषा बोली जाती है। बांगड़ू या हरियाणवी, इसी प्रकार से बुंदेली है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली मुख्यतया जयपुर के सापरा क्षेत्र से लेकर के और दिल्ली के सिही ग्राम के आसपास, ये यूँ कहिए कि दिल्ली से और जयपुर के सापरा के मध्य जो क्षेत्र है वो मुख्यतया खड़ी बोली का क्षेत्र आता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां थी। इसी प्रकार से तीसरा जो क्षेत्र होता है वो राजस्थान, राजस्थान M4 अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली बोलियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि क्वेश्चन ये आता है तो चार में, चार बोलियों में बांटा गया है। यदि ये कहा जाए कि भारत के राजस्थानी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों के नाम लिखिए, तो यही है। में M4 का मतलब है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, इस प्रकार से चार क्षेत्रों के अंदर राजस्थानी बोलियों को बांटा गया है। मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, इसको दूसरे नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। चार क्षेत्रों में राजस्थान की बोलियां हैं। इसी प्रकार से जो चौथा क्षेत्र होता है भारत की बोलियों को बांटे जाने वाला, वह होता है पहाड़ी, पहाड़ी। प्रश्न क्वेश्चन ये आता है कि भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों के नाम लिखिए। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती हैं वो मुख्यतया तीन बोली जाती हैं, अर्थात GKN। जी का मतलब गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मडियाली। ध्यान से सुने, गढ़वाली, कुमाऊनी, मडियाली, गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मडियाली, मडियाली भी कह देते हैं, मडियाली भी कहते हैं इसको। ये तीन बोलियां पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बोली जाती हैं। और जो पांचवा क्षेत्र होता है वो होता है बिहारी। पांचवे क्षेत्र को हम बिहारी के रूप में बांटते हैं, बिहारी। बिहार के अंदर जो बोलियां बोली जाती हैं उन बोलियों को भी तीन बोलियों के रूप में बांटा गया है, M2BH। अर्थात हम ये कह सकते हैं मैथिली, मैथिली, मगही और भोजपुरी। क्या कहा? मैथिली, मगही, भोजपुरी। पहला है मैथिली, मगही व भोजपुरी। इस प्रकार से भारत की बोलियों को पांच क्षेत्रों में बांटा गया। एक अंक का सवाल पूछा जाता है, अधिकतम शब्द सीमा 20 वर्ण होती है।
ध्यान ये रखना होता है कि विद्यार्थी इसके अंदर बहुत बड़ी कहानी लिख देते हैं, कुछ नहीं। पहले सवाल क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को समझिए और समझ करके उसके अनुसार आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इनमें से आपसे कभी भी ये नहीं पूछता है कि भारत की बोलियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, समझाइए। इसमें से जो सवाल आता है वो एक अंक का आता है, वो आपसे पूछता है कि पूर्वी क्षेत्र की बोलियों के नाम लिखिए, पश्चिमी क्षेत्र की बोलियों के नाम लिखिए। किसी एक क्षेत्र को पूछता है और उस समय विद्यार्थी इसके अंदर पहले तो बहुत बड़ी परिभाषाएं लिख देते हैं कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों को पूर्वी क्षेत्र की बोलियां कहते हैं, बस वर्ड लिमिट तो इतनी थी। और इसके बाद में फिर उनके नाम लिखते हैं, नहीं, आपसे जितना पूछा जा रहा है उतना लिखिए कि आपने लिख दिया पूर्वी क्षेत्र की बोलियां। ये सूत्र लिख सकते हैं ताकि आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। मुख्यतः बच्चे इनको भूल जाते हैं, अवधी, बघेली और उसके साथ में खड़ी बोली लिख देते हैं। इसके लिए आपको ये सूत्र बनाए गए हैं, इनको आप अपने तरीके से बना सकते हैं सुविधा अनुसार, पर कोड रहे आपके पास ताकि आप कंफ्यूज नहीं हों और ये एक अंक जो आपका है वो किसी भी स्थिति के अंदर कटे नहीं। अभी आपने बात की बोलियों से संबंधित, अब हम बात करते हैं लिपि की, क्योंकि इसके अंदर और अधिक क्वेश्चन मुख्यतः अधिक करता है। अब बात करते हैं हम लिपि की कि लिपि क्या है। लिपि, अभी आप बात कर रहे थे जिन भावों को व्यक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है उन भावों को आपने भाषा कहा था, उसी भाषा को जब हमें निश्चित चिन्ह, अभी आपने भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, उस भाषा के बारे में पांच क्षेत्रों की जानकारी दी। इन पांच क्षेत्रों में अब हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। अभी जो आपने भाषा के क्षेत्र पढ़े, प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है हमारा यह भाषा के ऊपर ही खत्म होता है। अगला जो टॉपिक होगा लिपि के बारे में जो जानकारी दी जाएगी वो आपको अगली कक्षा, अगले वीडियो के रूप में भेजी जाएगी। सभी को धन्यवाद।